तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज आपसे एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ शेयर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। चैनल से संबंधित नहीं है, मेरे पर्सनल करियर से संबंधित है। आज मेरे स्कूल व्याख्याता पद पे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, मतलब आज से मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है और मैं राजकीय सेवा में एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में स्थायी हो गई हूँ, है ना। मतलब कि 2 साल जब तक कंप्लीट नहीं होते, हमारी सेवा अस्थायी मानी जाती है और बहुत सारे जो सैलरी वगैरह है वो हाफ मिलती है और कोई भी इंक्रीजमेंट वगैरह हमें नहीं मिलता, इंक्रीमेंट वगैरह हमें नहीं मिलता है। लेकिन अब वो सारे मानदेय वगैरह, सब लाभ वगैरह हमें मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेवा जो है स्थायी सेवा मानी जाती है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि 2 साल मैंने कंप्लीट किए हैं इस सर्विस में। और क्योंकि मैंने चैनल बनाने के बाद में आपसे सारी ये बातें शेयर करी है, तो इसलिए मुझे लगा कि यार मेरे लिए खुशी की बात है, तो आप लोग मेरे लिए मेरे फैमिली जैसे हो, तो आप लोगों के साथ भी ये सारी चीजें मुझे शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों से भी ये शेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। तो आप सबकी दुआओं से सबसे पहले तो, क्योंकि क्योंकि चैनल बनाने सब पहले मैंने चैनल बनाया था, जॉब मेरी बाद में लगी थी, है ना। तो आप सबकी दुआएं बहुत काम आई थी कि मेरी सर्विस लगी और आज मेरी सर्विस के 2 साल कंप्लीट भी हुए। तो ये वीडियो भी आप सबके लिए एक मोटिवेशन जैसा वीडियो होगा, क्योंकि देखो, जैसा कि मैं ज़्यादातर मोटिवेशन के वीडियो ही बनाती हूँ जॉब लगने के बाद में, तो आप सबको लगता होगा कि यार मैम तो जॉब वॉब लगी हुई है, लाइफ में सब सेट है, सब सही चल रहा है, इसलिए मैडम को पॉजिटिव बातें करती हैं, आती हैं। हमारे जैसा टाइम होता या स्ट्रगल होता तो मैडम इस तरह की बातें नहीं करती। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, जिस दिन मैंने ये चैनल शुरू किया था ना, उस दिन मेरे पास में ना तो कोई नौकरी थी, ना जॉब था, और ना ही मुझे पता था कि मेरी लगेगी या नहीं लगेगी। मैंने चैनल स्टार्ट किया था जब कोरोना शुरू हुआ था और लॉकडाउन लग गया था 2021 में, नहीं 2020 में लॉकडाउन जिस साल लगा था, मतलब फिर आप डेट्स पे मत जाना, जिस साल लगा था उसी साल हम लोग हॉस्टल छोड़ के घर आ गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि सब कुछ बंद हो चुका था। और मैंने फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दे दी थी और मैंने ये भी इन आरएएस की प्री दे दी थी, मेंस दे दी थी, मेंस का रिजल्ट आना बाकी था। तो मेरे पास दोनों में से किसी पे भी मेरे को भरोसा, मतलब ठीक है नंबर वगैरह फर्स्ट ग्रेड में तो फिर भी जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी यकीन नहीं था। और ना ही आरएएस का पता था, क्योंकि मेंस में तो वैसे ही नहीं पता होता है कि क्या नंबर मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। उस टाइम मेरे पास में सिर्फ अंधेरा था, 2-3 नौकरियां मिली थी लेकिन कोई भी फाइनल रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं आया था, कुछ भी नहीं था करने को, बचा खुचा कि लॉकडाउन लग गया था और नौकरी भी नहीं मिली थी, घर वालों से इतने सालों से पैसे ले रहे थे। और उस टाइम पे ना सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, मतलब लाइफ में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं था। वही कि घर वाले शादी के लिए जिद कर रहे थे, मैं शादी करना नहीं चाहती थी बिना जॉब लगे हुए, कुछ भी नहीं था, है ना। तब मैंने सोचा कि यार लॉकडाउन में सबको पता है, सब नेगेटिविटी फैली हुई थी, मैंने सोचा यार कुछ नहीं तो मतलब कम से कम पढ़ाई से कैसे जुड़े रहे, एग्ज़ाम भी दोनों दे दी थी, एग्ज़ाम देने के लिए नहीं था। तो मैंने सोचा चलो एक चैनल बनाते हैं और उस पर पढ़ाते हैं। मैंने क्योंकि रीट की एग्ज़ाम पास करी थी, फाइनल नौकरी नहीं मिली थी मुझे क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, बट मैंने पास करी थी। तो मुझे लगा कि यार इस बार ने लोगों से, मतलब लोगों से क्या, कि जितना नॉलेज मुझे है, मैंने अगर ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम पास करी है तो मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि वो मेरे वही था कि बहुत सारी औरतें हैं या बच्चे हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूं। कुछ भी नहीं था मन में, शुरुआत में रीट की तैयारी करने के लिए चैनल ओपन किया था और इस तरह से, मतलब एक कुछ नहीं था उस टाइम पे, नौकरी वोकरी रिजल्ट विजल्ट, उस टाइम पे चैनल ओपन किया। धीरे धीरे फिर मेरा सबसे पहले मेंस का रिजल्ट आया और मैं पास हुई और आप लोगों के साथ में शेयर किया मैंने। और फिर मैंने इंटरव्यू की जो जर्नी थी वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करी, मेरे मॉक इंटरव्यू शेयर करे, फाइनल इंटरव्यू शेयर किया, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी में क्या माहौल होता है, वो सब शेयर किया। और उसके बाद में मेरा मेन रिजल्ट आता है फर्स्ट ग्रेड का, और जिसमें मैं पास हुई, और वो सारी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करी। और इस तरह से कि मतलब शुरुआत किस चीज़ से हुई, फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाने लगी और फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाने लगी, और इस तरह से चैनल का सफ़र शुरू हुआ और मैं आप लोगों से जुड़ती गई और आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। क्योंकि मैंने ना, मैं ज़्यादातर वीडियो में तो बोलना भी भूल जाती हूँ कि सब्सक्राइब करो, ना ही मैंने किसी को भी पर्सनली जाके बोला कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाओ। जो भी जुड़ा है, जो भी मेम्बर जुड़ा है, एक तरह से फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं आप लोग, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ पर इस तरह से कमेंट आते हैं कि यू आर लाइक
आप हमारी बड़ी सिस्टर के जैसे हो, ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे आते हैं, और कि आपकी बातें सुन के हमें दिल से अटैचमेंट महसूस होता है। तो वो प्यार जो है वो, क्योंकि अब जैसे जॉब लग चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ाने का, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ यार, आप लोगों के पास में बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले चैनल हैं, इतनी अच्छी स्क्रीन दिखती है, क्लासरूम होता है, आप लोग भी वहाँ पढ़ना चाहते हो जो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। इसलिए ठीक है कि मैं भी प्रॉपरली यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे गाइडेंस लगता है कि बच्चों को इस वक्त ये वाली चीज बतानी चाहिए, या फिर किस तरह से नोट्स बनाते हैं, किस तरह सिलेबस पढ़ते हैं, किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ मतलब शेयर करती रहती हूँ। इस तरह से मैं आज भी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, है ना, क्योंकि जॉब की वजह से रेगुलर वाला टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी बहुत कम टाइम मैं आपसे जुड़ पाती हूँ, वीक में एक बार, लेकिन आप लोगों का प्यार आज भी बरकरार है, और इसी प्यार के लिए मैं आज भी सारी न्यूज़ जो भी मेरे ज़िंदगी में अच्छी बुरी जो भी चीज़ें होती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आज जो ये वीडियो बना रही हूँ उसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो फर्स्ट एक साल हुआ था मेरी जॉब का, तब मैंने स्ट्रगल से लेकर एक साल तक का वीडियो कंप्लीट, मतलब आपको जर्नी दिखाई थी मेरी छोटी सी एक वीडियो में, शॉर्ट्स वो पड़ा होगा, आप लोग स्क्रॉल कर सकते हो चैनल को। आज जो मैं वीडियो आपको शो करूँगी कि लाइफ आफ्टर जॉब, बिफोर जॉब और आफ्टर जॉब कैसे बदलती है, जब मैं जॉब लगी थी उस टाइम मैं कैसी थी और वर्तमान में मैं कैसी हूँ, और वर्तमान में जो भी वीडियोज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ कि यार लाइफ ना सिर्फ एक पढ़ाई का ही नाम नहीं होती है, लाइफ में हमें, अब हम जॉब लगे हैं तो उन पलों को जीना सीखो। और मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि यार इतना ज़्यादा मतलब जियो उन पलों को कि हम मजबूर हो जाए कि नहीं यार ये जॉब मुझे चाहिए, ठीक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस मेहनत को नकार सके। रिश्तेदार दुश्मन हो सकते हैं, परिवार वाले दुश्मन हो सकते हैं, दुश्मन दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत को नकारने वाला बंदा कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेहनत करी है तो फल मिलेगा। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल आए, जर्नी वाले वीडियो में मैंने शेयर किया। आज आज भी अगर मैं कभी डिप्रेस होती हूँ ना, तो मेरा खुद का जर्नी वाला वीडियो मैं देख लेती हूँ ना कि यार ठीक है, इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक मैं पहुँचे, अब थोड़ी ना हमें निराश होना है, अब तो हमेशा आगे बढ़ते जाना है ना। इसीलिए वो वीडियो बनाया भी था कि यार हो सकता आगे चल के मैं भूल जाऊँ कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, और आप सब लोगों ने उसे भी बहुत पसंद किया। तो बस लास्ट में अब इतना ही कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहो, उम्मीद मत छोड़ो, जो भी लक्ष्य ठाना है उसको बस पाना है। कितनी भी मुश्किलें आए यार, मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी ना, मंजिल भी उतनी ही बड़ी होगी। मेरे पे मतलब मैं फिर से कहूँगी, मैं बन सकती हूँ तो आप भी बन सकते हो, क्योंकि मतलब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप लड़की नहीं थी, है ना, और घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको यही लगता था कि इसका ध्यान तो फैशन में, मूवीज़ में, ठीक है ऐसे वैसे टिकटॉक वगैरह भी थोड़ा बहुत मैं बनाती रहती थी, इन सब में है तो क्या मतलब नौकरी लगेगी। लेकिन जिस दिन खुद ने ठाना कि नहीं मुझे बनना है और मेरे लिए बनना है, उस दिन मैं बनी, और मतलब ठीक है सबको जवाब भी मिला उस तरह का, है ना, कि हम अपनी मेहनत के द्वारा सबको जवाब दे सकते हैं, बोल के नहीं दे सकते। इसलिए दो लाइनें बोलना चाहूंगी, और एक दिन रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा नाम, और एक दिन रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा नाम तुम्हारे सारे संघर्षों, सारे परेशानियों और सारे प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। बस तुम खामोशी से मेहनत करते रहना और कभी हिम्मत मत हारना, बस वो दिन आएगा और जरूर आएगा। तो अगर मेरा पीडीएफ में नाम आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। और याद रखिए, मैं वो लम्हा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, पीडीएफ में नाम दिखेगा, आप भी रोओगे जिस तरह से मैं रोती हूँ उस मोमेंट को सोचते भी। तो जैसा कि मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ पर्सनल लाइफ से भी, करियर वाले लाइफ से भी, और आपके मोटिवेशन के लिए भी, वैसे मैं आगे भी करती रहूँगी। हाँ, कभी कभी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई शॉर्ट्स डालती हूँ तो कई बार मैसेज आते हैं इक्के दुक्के कि मैडम ऐसा लग रहा है ये व्लॉगिंग चैनल है, एजुकेशन चैनल नहीं है। तो यार मेरा एक मकसद होता है दिखाने का कि सिर्फ पढ़ाई ही हमारा मकसद नहीं है, हम पढ़ के अपनी लाइफ को किस तरह से जीते हैं, किस तरह से हम खुश रहते हैं और खुशियाँ हम बांट सकते हैं, वो भी हमारा मकसद होना चाहिए। यार लाइफ में बहुत सारे कलर्स हैं और हर कलर को जीना चाहिए। मैं तो जीती हूँ यार, मैं ससुराल भी जाती हूँ तो मैं याद भी नहीं करती कि मेरी जॉब भी है, और जब मैं जॉब में रहती हूँ तो याद मतलब ठीक है, इतना नहीं सोचती कि हमें एक बहू वाला करियर भी निभाना है, बेटी वाला भी निभाना है, बस यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल रहना है ना। तो लाइफ के हर कलर को जीना सीखो। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में दुख नहीं होते, मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होती, लेकिन मैंने खुद से एक वादा कर रखा है कि यार
दुनिया के सामने बस हंसते रहना है यार। दुख दिखाने से ना लोग मजे लेते हैं। अगर हम मैं रोऊंगी किसी के सामने जाके, आपके सामने जाके, कोई भी रोएगा तो दुनिया आप पीछे से जाके हंसेगी हम पे। अच्छा है कि हम अपने दुखों पे काबू का पाके हंसते रहे दुनिया के सामने। और जिंदगी के जो रंग है यार, जिंदगी जीनी, मतलब इतनी सी जिंदगी है, जीनी है। बुढ़ापा आ जाएगा या फिर एक दिन कुछ ऐसा हो जाए हमारे साथ कि यार पता चलेगी यार जिंदगी तो जीनी है तो निकल गई, तो वैसा ना हो यार। तो लास्ट में बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि यार जिंदगी के ना, मुझे ना जिंदगी के हर एक रंग को जीना है। जिंदगी लंबी छोटी बड़ी कैसे भी हो, बस रंगीन होने चाहिए यार। मुझे मेरी लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट सपने नहीं देखने हैं, लेकिन बस सपने देखते रहना है, मरते दम तक सपने देखते रहना है, और उन सपनों के लिए जीना है, उन्हीं सपनों के लिए लगे रहना है कि हाँ यार अभी ये सपना बाकी रह गया, ये सपना पूरा करना है। क्योंकि सपनों का मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद का मतलब होता है जिंदगी, और जिंदगी का मतलब होता है रंग। इसलिए ज़रूरी है कि हम लाइफ के हर एक रंग को एंजॉय करें। सुख और दुख हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं, हमेशा आएंगे। दुख भी है तो भी हमें हंसकर जीना है, और सुख भी है तो भी हमें हंसकर जीना है। ये जवाब उनके लिए भी है, एक बच्ची है जो सुसाइड वाले मैसेज करती है चैनल पे, उसके लिए भी है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है यार। सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं है। तो यार उन सारे नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलिए और ज़िंदगी के रंगों को जीना सीखिए, क्योंकि स्ट्रगल का टाइम भी कभी लौट कर नहीं आता। जब मैं आज भी उन पिक्चर्स को देखती हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि काश वो टाइम आ जाए जब मैं इतना इतना पढ़ा करती थी, लेकिन आज वो टाइम नहीं आ सकता। लेकिन जो चल रहा है उसे जियो यार, ठीक है? कल को आप भी ऑफिसर बन जाओगे, बिजी हो जाओगे, जो आज जी रहे हो वो कल नहीं जी पाओगे। तो ज़िंदगी के हर एक रंग को जीना सीखिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो के आगे एक छोटा सा वीडियो अटैच करूँगी या फिर शॉर्ट्स में डाल दूँगी कि वो जो मैंने जॉब शुरू करी और आज जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, चेंज होता है, किस तरह से आपकी लाइफ बदलती है, वो एक छोटा सा 2 साल की जर्नी का वीडियो आप सभी के लिए सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। 7,500 हुए, कितने दिन हो गए, 10,000 करवा दो यार। मैं भी तो केक काटूँ, इतने सारे लोग केक काटते रहते हैं 10K सब्सक्राइबर के। आई नो एजुकेशन वाले चैनल स्लो बढ़ते हैं, लेकिन यार आज तो थोड़ा सा प्यार दे दो, प्लीज प्लीज शेयर करो ताकि चैनल पे 10K सब्सक्राइबर हो जाए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद द सक्सेस। बाय बाय। लोबान के धुएं सा फैला है 400, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू। मैं हूँ फकीर तेरा, रख मेरी आबरू। हामी ये बेकसा है इतनी सी आरज़ू, तू मेरे रूबरू हो मैं तेरे रूबरू, तू मेरे रूबरू हो मैं तेरे रूबरू, तू मेरे रूबरू हो मैं तेरे रूबरू। सर फिरे हवा रोक दे जरा, तूने जो बनाया वो बिगाड़ने न दे। मेरी हार में तेरी हार है, हारने न दे मुझे तू, हारने न दे। ऐसे जुड़ मुझसे मैं घट जाऊं, जो करम वो मैं छट जाऊं। मैं शाम का धुंधल का तू नूर हूँ बहु, हामी ये बेकसा है इतनी सी आरज़ू, तू मेरे रूबरू हो मैं तेरे रूबरू, तू मेरे रूबरू हो मैं तेरे रूबरू, तू मेरे रूबरू। क्यों है दूर तू, हामी ये बेकसा है इतनी सी आरज़ू।